स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ टिप्स की एक नई वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कैसे रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास है बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। तो वही छत्तीसगढ़ से गुजरात महाराष्ट्र तक भारी बारिश से बुरा हाल हो गया है। तो वही गुजरात के हालात तो सबसे ज्यादा खराब हैं। तो वही महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही मौसम विभाग ने मध्य भारत के इन जिलों में साथ ही आज केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तो वही मौसम विभाग के मुताबिक गोवा में 15 जुलाई को बारिश की संभावना है। तो इसी के अलावा गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना कच्छ में 17 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। तो वही 18 जुलाई को उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल पूर्व राजस्थान में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसी दौरान तेज हवाएं चलेंगी, वही गरज के साथ छोटे पड़ने की संभावना है। तो वही मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। तो वही 14 से 16 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को हल्की बारिश के साथ ही आसमान में आमतौर पर बादल छा रहेंगे, जबकि गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा है। तो वही 28 डिग्री रहा है। तो वही पूरे दिन गर्मी उमस से राहत मिली थी। मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई को उत्तराखंड और 17 जुलाई को 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी। यानी अगले दो तीन दिन तक UP वालों को बारिश का सूखा खत्म हो जाएगा। तो वही बिहार में मानसून आने के बाद भी अब तक राज्य में अच्छी बारिश नहीं हुई है। तो वही बारिश में भारी कमी की वजह से राज्य के अधिकतर जिलों में सूखे का संकट बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग का पटना में कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र है। तो वही इसके प्रभाव से अगले हफ्ते 29 जुलाई से राज्य के अधिकतर भागों में आशंके से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के हालात बिगड़ गए हैं, अब तक 99 लोगों की जान है। तो वही मौसम विभाग ने पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वही मुंबई में हाई अलर्ट चेतावनी दी है। वही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं हुई है। तो वही मौसम विभाग ने नागपुर समेत कई जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वही लातूर में बाढ़ और बारिश के हालात देखने को मिले हैं। वही 12वीं तक के सभी स्कूल शनिवार के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो प्रदेश में आने वाले अगले 24 घंटे में भारी बारिश पड़ सकती है। तो भोपाल जबलपुर इंदौर में उज्जैन में सवाल में जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वही भोपाल समल में सागर ओफन गए हैं। तो वही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वही राज्य में मुंगेर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वही आपको बताते हैं राजस्थान में मानसून का दौर जारी है। तो वही बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में मूसलाधार बारिश हुई है। तो वही आज शनिवार को भी राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जुलाई से मानसून ट्रफ के लिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मौसम से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।